यमुनानगर में चलती डस्टर गाड़ी में लग गई आग। गनीमत यह रही कि कार में सवार दोनों भाई बहन बाल बाल बच गए हैं। सेक्टर 18 में ट्यूशन पढ़कर वापस जा रहे थे दोनों भाई बहन, तभी यह आग लग गई। नोएडा टोल प्लाजा पर इंडिका कार में आग लग गई। अचानक से शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी है। पुलिस की मदद से कार चालक की जान बचाई गई। सुप्रीम कोर्ट जज विवाद पर शुरू हुई सियासत। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा बोले, कैबिनेट मंत्री भी आवाज उठाए। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी किया मोदी सरकार पर हमला। सुप्रीम कोर्ट विवाद पर बार काउंसिल ने की बैठक। 7 सदस्यीय कमेटी के गठन का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों से मुलाकात करने की बात कही। फिलहाल खिंचता हुआ नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट विवाद। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा रविवार की शाम चारों जजों से कर सकते हैं मुलाकात, सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर 40 स्कूली बच्चों से भरी नाव पलट गई। नाव डूबने से 4 बच्चों की मौत, 32 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 3 घंटे के बाद मिला ओएनजीसी के लापता हेलीकॉप्टर कमलबा। हेलीकॉप्टर में सवार 5 लोगों में से 4 के शव मिले। राहत बचाव का काम जारी। पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर ईडी ने कसा शिकंजा। दिल्ली चेन्नई के ठिकाने पर ईडी की रेड। आईएनएक्स मीडिया केस में छापेमारी की। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में बने निजी स्कूल में घुसे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने काफी जद्दोजहद के बाद पकड़ा। नोएडा के 40,000 फ्लैट बायर्स को फ्लैट की चाबी देंगे सीएम योगी। जनवरी के आखिरी हफ्ते में सौंपेंगे चाबी। कई साल से फंसे घर खरीदारों का सपना हो जाएगा पूरा। जयपुर में सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। सेक्टर 9 के विद्यानगर की घटना। लखनऊ में यूपी विधानसभा सीएम आवास के बाहर आलू फेंकने के मामले में हुई गिरफ्तारी। एसपी कार्यकर्ता समेत 2 गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान का प्लेटफार, कहा न्यूक्लियर डील में किसी भी तरह का संशोधन नहीं स्वीकार करेंगे। देशभर में लोहड़ी के त्यौहार की धूम। जम्मू कश्मीर में जवानों ने नाच गाकर मनाई लोहड़ी, लोगों को बधाई दी। भिवाड़ी जिले में पंजाबी समाज ने लोहड़ी के पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाया है। समाज के लोगों ने एक दूसरे को रेवड़ी और मूंगफली देकर शुभकामनाएं दी। गोहाना में नगर परिषद शहर को सौंदर्यीकरण के नाम पर शहर की सड़क को वन वे करने का दुकानदार विरोध कर रहे हैं। वहीं लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। दिल्ली लुधियाना मैच के लिए जींद के 3 गांव के किसान का धरना लगातार जारी है। किसान जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। आज अधिग्रहण का कम मुआवजा के खिलाफ पिछले 30 दिनों से धरने पर बैठे। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक नाबालिग मेट को पीटने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि नाबालिग ने एक लेडी डॉक्टर पर उसके साथ मारपिटाई करने का आरोप लगाया। दरअसल आपको बता दें कि लेडी डॉक्टर के पड़ोसी ने लेडी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं पुलिस ने आरोपी लेडी डॉक्टर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। साउथ ईस्ट दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल इलाके में एक लड़के ने लड़की के प्यार के चक्कर में खुद को आग के हवाले कर दिया। गंभीर हालत में लड़के को सफदरजंग अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। बताया जा रहा है कि वारदात से पहले लड़का किसी लड़की से फोन पर बात कर रहा था। उसी दरमियान लड़की ने कुछ ऐसा कहा कि लड़के ने खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। गाजियाबाद के मोदी नगर से 26 दिसंबर को गायब नाबालिग छात्रा का शव मेरठ के जंगल से मिला है। परिवार का आरोप कि अपहृत युवती की तलाश करने में नाकाम साबित हुई पुलिस। गाजियाबाद के मोदी नगर के गली नंबर 2 निवासी पंडित यशपाल शर्मा की 15 साल की बेटी का 26 दिसंबर 2017 को अपहरण हो गया था। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में मोटा गांव में आईपीएस अधिकारी संजीव त्यागी के घर पर चोरों लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। ग्रेटर नोएडा में एक 8 साल का मासूम तमंचा लेकर अपने पिता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंच गया। दरअसल मासूम ने पिता पर आरोप लगाया कि उसके पिता ने उसे तमंचा दिखाकर डांटा।